फ्रेंड्स और एनिमीज इन बॉलीवुड। कभी कभी करते हैं दुश्मनी तो कभी प्यार, कभी कभी तो मीडिया के सामने दोस्ती करके निभाते हैं अपना पीआर। किसे पता शायद शाहरुख और सलमान की दोस्ती हो झूठी और मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे पे कर देंगे वार। पहले तो दोनों थी खिसियानी बिलियां जो झपटती थी एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को कर दिया है माफ। After all the gussa wussa, now it's time for a hearty laugh. Oh no! अपने टेलीविजन शो पर आमिर ने उठाए कई सोशल इश्यूज। उनकी पॉपुलैरिटी को शायद पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे मिसयूज। Oh no! फैंस करेंगे उनके प्राइवेसी को अब्यूज। पता नहीं क्या सोचकर अथॉरिटीज ने उनकी सिक्योरिटी को किया रिफ्यूज। वेलकम टू येट अनदर सिंटिलेटिंग एपिसोड ऑफ डेडलाइंस। कटरीना नहीं बना पा रही है दीपिका की तरह रणबीर के साथ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री। क्या करण जौहर शाहिद के साथ अपनी फिल्म रिलीज करके उन्हें करना चाहते हैं परेशान? वी सॉल्व दैट मिस्ट्री। अब प्रियंका और करीना की दुश्मनी हो गई है हिस्ट्री, क्योंकि दोनों ने कर ली है दोस्ती। खबरें और भी है, बट लेट्स स्टार्ट विद डेडलाइंस नंबर 10। टेंडलाइज नंबर 10 बने हैं सलमान खान, जिन्होंने ले लिया है एंजल वाला गेटअप और कर रहे हैं वो एंजलिक हरकतें। पहले तो उन्होंने किया शाहरुख को वार्मली ग्रीट बाय गिविंग हिम अ हग, और साथ ही नजर आएंगे अब वो एंजल के गेटअप में। हाल ही में हुए एक इवेंट पर सलमान ने शाहरुख को गले लगा लिया, पर क्या इससे ये साबित होता है कि अब इन दोनों में हो गई है दोस्ती, या फिर छोटी सी ग्रीटिंग बना रही है बड़ी खबर? वैसे लगता है सलमान एंजल बनने के पूरे मूड में। अपने आने वाले रियलिटी शो के लिए सलमान इज अपेरेंटली गोइंग टू टेक एन एंजल्स अवतार व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय सलमान्स मदर एंड सिस्टर। वहीं शायद वो डॉन करेंगे डेविल का लुक भी, व्हिच परहैप्स विल बी इंस्पायर्ड बाय द लव डेविल्स इन हिज लव लाइफ। न्यूज ये भी है कि उसी रियलिटी शो के सेट पर सलमान के चेहरे पर हो गया है मेकअप का रिएक्शन, और सलमान के चेहरे का रैशेस से हो गया है बुरा हाल। वैसे कम शाहरुख से गले मिलने के बाद अब सलमान नहीं होंगे उन्हें देखकर गुस्से से लाल। हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है हल, सलमान और शाहरुख की दोस्ती हो गई है। अब छोटे मोटे प्रॉब्लम बचे हैं जैसे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। व्हाट से सिमी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन बॉलीवुड। कभी कभी करते हैं दुश्मनी तो कभी प्यार, कभी कभी तो मीडिया के सामने दोस्ती करके निभाते हैं अपना पीआर। किसे पता शायद शाहरुख और सलमान की दोस्ती हो झूठी और मौका मिलते ही दोनों एक दूसरे पे कर देंगे वार। टेंडलाइजर नंबर 9 बनी है कटरीना कैफ, जो शायद ऑफ स्क्रीन अपनी पेयरिंग मजबूत कर चुकी है रणबीर कपूर के साथ, लेकिन ऑन स्क्रीन पेयरिंग रिपीट कराने में अब तक नाकाम रही है। हाल ही में रणबीर को कटरीना के साथ फिल्म लुटेरा के स्क्रीनिंग पर देखा गया, लेकिन आसपास पापराजी को देखते ही दोनों ने अपने रेस्क्यू के लिए फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने को बुला लिया। भले ही ऑफ स्क्रीन इनका रोमांस आजकल जोरों पर है, लेकिन रणबीर के साथ वो ऑन स्क्रीन इम्तियाज की फिल्म में अपनी जोड़ी नहीं बना पाई है। बट अब सुनने में आया है कि काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें उस फिल्म में एक आइटम नंबर करने को जरूर मिल गया है। अब फिल्म में हीरोइन ना बन सकी तो क्या हुआ, आइटम नंबर के बहाने रणबीर के इर्द गिर्द रहने का कटरीना को मौका तो मिल गया। कटरीना बन रही है ग्रीडी और नीडी। दीपिका की तरह आपको भी अच्छे रोल निभाने होंगे अगर आपको चढ़नी है सफलता की सीढ़ी। सेमी, कटरीना दीपिका ने रणबीर के साथ अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से कर दिया है आपको चेकमेट। पर फिल्म में रणबीर के साथ ऑन स्क्रीन पेयरिंग के मौके आए या नहीं, यू शुड नॉट वरी एज लॉन्ग एज इन रियल लाइफ ही इज योर लव मेट। टेंडलाइज नंबर 8 बने हैं शाहरुख खान, जिन्होंने डॉक्टर के वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया और 18 घंटे काम करके अपनी सेहत को जोखिम में डाला है। आखिर क्या बात है जो शाहरुख कर रहे हैं जमकर मेहनत? Whose birthday is it? Is it Karan's birthday? Let's find out.
अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख खान अपनी रीसेंट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में उनके शोल्डर का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर ने उन्हें कम से कम 10 घंटे तक सोने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, उन्हें किसी भी भीड़ वाले इलाके में जाने से मना भी किया है ताकि वो इंजरी से बच सके। लेकिन शाहरुख एक ही दिन में चेन्नई एक्सप्रेस को प्रमोट करने के लिए 2 शहरों में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। शायद फिल्म इंडस्ट्री के बढ़ते कॉम्पिटिशन से शाहरुख चौकन्ना हो गए हैं। हम शाहरुख को सलाह देंगे कि फिल्म तो हिट और फ्लॉप होते रहेंगी, लेकिन जान है तो जहान है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शाहरुख की वाइफ गौरी घर पर बैठे बैठे दे रही है उन्हें ताने? शायद इसीलिए 18-18 घंटे काम करके शाहरुख ढूंढ रहे हैं घर से दूर रहने के बहाने। सिमी, शाहरुख भले ही स्क्रीन पर बनते हो सुपर हीरो जिसका नाम है जीवन, लेकिन आजकल की दुनिया में स्ट्रेस बना है सबसे बड़ा रावण। अपनी सेहत को संभालोगे तो ही जीतोगे आप सबका दिल। इसलिए शाहरुख हमारी बात मानिए एंड टेक अ चिल पिल। हेडलाइन नंबर 7, मरिए प्रियंका चोपड़ा फॉर 2 रीजंस। ए, पहले तो उन्होंने दिया मीडिया क्रिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब, क्योंकि उन्होंने प्रियंका के रीसेंट म्यूजिक वीडियो में उनके लुक को किया था क्रिटिसाइज। एंड बी, प्रियंका ने अपने आज राइवल करीना के साथ कर लिया है पैच अप एंड ऑल सीम्स टू बी वेल बिटवीन द टू। हियर आर द डिटेल्स। प्रियंका चोपड़ा ने भी सलमान और शाहरुख की तरह अपनी कॉम्पिटिटर करीना के साथ सुलह कर ली है। अगर सोर्सेज की माने तो एक रीसेंट शूट के दौरान करीना और प्रियंका एक ही स्टूडियो में अलग अलग फ्लोर पर शूटिंग कर रहे थे और पैकअप के बाद जब करीना जाने लगी तब उन पर प्रियंका की नजर पड़ी, जिन्होंने किया प्यार से ग्रीट। एंड अपेरेंटली बेबो ऑल्सो रिस्पॉन्डेड इन अ वे दैट वॉज कॉर्डियल एंड स्वीट। बोथ द स्टार्स स्टूड देयर एंड चैटेड फॉर अ वाइल। पहले तो इन स्टार्स में हो गई थी टकरार, पर इस खबर के बाद लगता है उन्होंने खत्म कर दी है अपनी वार। I mean bore. We hope their bond only grows stronger with time. प्रियंका और करीना दोनों ने चलाई शाहिद के नाम की कश्ती। दोनों ने उनके साथ की हार्मलेस मस्ती, फिर सोचा होगा कि why not extend the olive branch and do some दोस्ती। सिमी, पहले तो दोनों थी खिसियानी बिल्लियां जो झपटती थी एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन अब दोनों ने एक दूसरे को कर दिया है माफ। After all the गुस्सा वुस्सा, now it's time for a hearty laugh. Headline number 6, बनी है शाहिद कपूर, जिन्हें शायद अब करण जौहर के साथ पंगा लेना अब महंगा पड़ने वाला है। लगता है करण जौहर शाहिद को सबक सिखाने के लिए अपनी फिल्म उसी दिन रिलीज करने की सोच रहे हैं जिस दिन शाहिद की फिल्म रिलीज होगी। फटा पोस्टर, निकला गोरी। शाहिद कपूर ने करण जौहर की फिल्म गोरी तेरे प्यार में करने से मना तो कर दिया, पर अब शायद वो सोच रहे होंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। सोर्सेज की माने तो करण जौहर उनकी अपकमिंग फिल्म उंगली को शाहिद की आने वाली फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के साथ रिलीज करेंगे। शाहिद ने पहले करण की फिल्म काल भी रिफ्यूज़ की थी और रिसेंटली फिल्म गोरी तेरे प्यार में को उन्होंने लास्ट मिनट पर छोड़ दिया। अब ये एक मेयर कोइंसिडेंस है या फिर करण की कोई स्ट्रेटेजी, ये तो वक्त ही बताएगा। शाहिद ने पहले रिफ्यूज की करण की फिल्म काल, अब करण अपनी फिल्म उसी डेट पर रिलीज करके कर देंगे उनका बुरा हाल। व्हाट्स दिस समय, आजकल एक साथ 6-7 फिल्म होती हैं रिलीज, जहां फिल्म मेकर्स को होती है ज्यादा फिकर अबाउट द फिल्म्स एंड इट्स ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड मनी। तो फिर क्या करण वाकई करेंगे कॉन्सेंट्रेट इस बात पर कि कैसे निभाई जाए शाहिद कपूर से दुश्मनी? हेडलाइन नंबर 5, बनी है परिणीति चोपड़ा, जो अब एडमिट कर रही हैं कि उनके मोटर माउथ बिहेवियर की वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें हुई हैं और इसलिए वो आजकल सुपर द डिप्लोमेटिक्स द बन गई है। Once bitten, twice shy, परिणीति चोपड़ा आजकल मीडिया के सामने हो गई है कॉशियस। अपेरेंटली परिणीति ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बड़े ही बिंदास अंदाज में प्रियंका चोपड़ा और उनके रिश्ते के बारे में कहा कि हम दोनों उन बहनों की तरह हैं जो एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, गॉसिप करते हैं। परिणीति ने इतना ही कहा नहीं कि दूसरे दिन सुर्खियों में आ गया कि परिणीति को प्रियंका से फिल्म इंडस्ट्री की गॉसिप मिलती है। इस खबर को पढ़कर अपेरेंटली प्रियंका हुई परिणीति से थोड़ी खफा। तब से परिणीति हो गई है होशियार और कर लिया है फैसला कि वो आगे से सोच समझ कर करेंगे बयानबाजी। Well, we hope she sticks to her new resolution. परिणीति अपना क्यूट इमेज प्रमोट करने के लिए प्रियंका का नाम लेकर कर रही थी हार्मलेस चैटर, लेकिन लगता है अब सीरियस हो गया है मैटर। व्हाट से सिमी,
परिणीति लाइक अ टिपिकल किड सिस्टर एक्साइटेड होकर करती हैं अपने बहन प्रियंका को लेकर नेम ड्रॉपिंग. खुद बनकर रहना चाहती हैं सुर्खियों में लाइक अ डिलीशियस टॉपिंग. कंडला नंबर 4 बने आमिर खान, जिनके ऊपर से सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया है. सिक्योरिटी कवर एक स्टार के लिए होता है बड़ा स्टेटस सिंबल. तो क्या आमिर हो गए हैं निश्चिंत कि उन पर नहीं है कोई खतरा, या होंगे वो दुखी क्योंकि ये स्टेटस सिंबल उनके साथ अब नहीं रहा? चेक इट आउट. आमिर खान को पहली बार सिक्योरिटी 2001 में लगान की सक्सेस के बाद दी गई थी, क्योंकि अपेरेंटली उन्हें मिली थी अंडरवर्ल्ड से धमकियां. लेकिन अब मुंबई पुलिस का मानना है कि आमिर की जान को कोई खतरा नहीं है, इस वजह से उनका सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया है. रूमर मॉन्गर्स की माने तो शाहरुख का भी सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया था, लेकिन फिर उन्होंने कुछ एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट दिए जिसकी वजह से उन्हें सिक्योरिटी वापस दी गई. सो नाउ वी वंडर कि सिक्योरिटी वापस पाने के लिए क्या आमिर भी ऐसे कदम उठाएंगे और करेंगे ऐसी कुछ बयानबाजी. सिक्योरिटी के हटते ही आमिर को घर के बाहर रखना पड़ेगा एक नया सिक्योरिटी गार्ड, और घर से बाहर निकलना पड़ेगा पहनकर अपने चेहरे पर एक स्कफ. उत्तरी मोटे से मी. अपने टेलीविजन शो पर आमिर ने उठाए कई सोशल इश्यूज. उनकी पॉपुलैरिटी को शायद पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे मिसयूज, फैंस करेंगे उनके प्राइवेसी को अब्यूज. पता नहीं क्या सोचकर अथॉरिटीज ने उनकी सिक्योरिटी को किया रिफ्यूज. क्या आप जानते हैं कि सलमान खान का फेमस डायलॉग, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर ली तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता, दरअसल फिल्म के डायरेक्टर प्रभुदेवा ने लिखी थी. ब्रेक के बाद गपशप जारी रहेगी ओनली ऑन टेंट लाइन्स. सोनम ने तो जैसे ठान ली है कि अब वो दिखाएंगी अपनी एक्टिंग का टशन. मेरे ख्याल से विद हर न्यू फाउंड मेथड एक्टिंग वो पहुंचेगी एक्ट्रेस की बड़ी लीग में, विच इज हर अल्टीमेट डेस्टिनेशन. शादी के पहले ही रानी को मिला था ऑफिशियल टाइटल ऑफ मिसेस चोपड़ा, एंड प्रोडक्शन होम की बन गई थी वो CEO. और अब मिसेस पैमला चोपड़ा के आशीर्वाद से आप दोनों फूलो फलो और जुग जुग जियो. टेन लाइन्स नंबर 3 बनी है सोनम कपूर, जब अब आमिर खान की तरह अपनी फोर्थ कमिंग फिल्म्स में मेथड एक्टिंग करने वाली है. यस, रंजना की सक्सेस के बाद सोनम इज ऑल पर्क्ड अप एंड रेडिंग टू गो. लेट्स होप इट्स नॉट एन एम्प्टी शो. सोनम कपूर अब अपने सक्सेस को लाइटली नहीं लेना चाहती. अगर सोर्सेस की माने तो सोनम अपने एक्टिंग क्राफ्ट में कुछ बदलाव लाना चाहती है. उनका मानना है कि अभी से वो अपने किरदार को मेथड एक्टिंग की मदद से समझने की कोशिश करेंगी. फिल्म खूबसूरत के रीमेक में सोनम एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल निभाएंगी, और इस कैरेक्टर को समझने के लिए वो अपनी एक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रेंड की मदद ले रही है. साथ साथ वो इस किरदार की तरह दिखने के लिए कार्डियो ट्रेनिंग भी ले रही है. लगता है फिल्म रांझना और मिल्का भाग के सक्सेस ने सोनम की आंखें खोल दी है, और अब वो अपने फैंस को सिर्फ ग्लैमर और स्टाइल सेंस से नहीं पर अपने असली टैलेंट से इंप्रेस करना चाहती है. सोनम नहीं ट्रैप होना चाहती ओनली इन अ ग्लैमरस अवतार, वो बनना चाहती है आमिर की तरह इंटेंस एक्टर कम स्टार. सिमी, क्या है आपके खास विचार? सोनम ने तो जैसे ठान ली है कि अब वो दिखाएंगी अपनी एक्टिंग का टशन. मेरे ख्याल से विद हर न्यू फाउंड मेथड एक्टिंग वो पहुंचेगी एक्ट्रेस की बड़ी लीग में, विच इज हर अल्टीमेट डेस्टिनेशन. टेंडलाइज नंबर 2 बनी है रानी मुखर्जी, जो अब अपेरेंटली शादी की प्लानिंग कर रही है अपने अलेजेड बेव आदित्य चोपड़ा के साथ. इतना ही नहीं, इट सीम्स आदित्य की मम्मी पैमेला पंडित जी से मिलकर जन्म पत्री भी मिला रही है. चेक इट आउट. Finally, the cat is out of the bag. रानी मुखर्जी और उनके alleged boyfriend आदित्य चोपड़ा की शादी होने जा रही है. सुनने में तो ये भी आया है कि आदित्य की माँ पैमेला इस बात को लेकर काफी excited है और उन्होंने सब तैयारियां शुरू कर दी हैं. अब सिर्फ पंडित जी से exact शुभ मुहूर्त मिलने की देरी है. We wish रानी and आदित्य all the luck. रानी कब तक कंट्रोल करती अपने अरमान? थैंक गॉड आदित्य चोपड़ा अब भरेंगे उनकी मांग और मिलेगा उनके रिश्ते को सम्मान. What's this mean?
शादी के पहले ही रानी को मिला था ऑफिशियल टाइटल ऑफ मिसेस चोपड़ा एंड प्रोडक्शन होम की बन गई थी वो CEO और अब मिसेस पैमला चोपड़ा के आशीर्वाद से आप दोनों फूलो फलो और जुग जुग जियो। बॉलीवुड ए टू जी में आई इज फॉर इंतजार जो हर हीरो अपने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को करवाता है ताकि उसकी आई फॉर इमेज बन सके, लेकिन अक्सर आई फॉर इंसल्ट हो जाती है। आपकी ना होगी इंसल्ट, ना आपको करना पड़ेगा इंतजार। कम बैक राइट हियर ऑन टेंटलाइज। इंटरेस्टिंग इन दिस हार्ड टाइम मान्यता एंड संजय दत्त आर स्टिकिंग टू ईच अदर लाइक ग्लू। व्हाट? हां, गुड फॉर देम बिकॉज दे वांट टू इवन रियलाइज हाउ द बैड टाइम फ्लू। टेंटलाइज नंबर वन बने हैं संजय दत्त, जिन्होंने जेल में रहते हुए अपनी वाइफ मान्यता को पोएम्स और फ्लावर्स भेजे ऑन हर बर्थडे। लगता है जेल में होने के बावजूद संजय के पब्लिसिस्ट उन्हें लाइमलाइट में रखने से नहीं चूकते। मुन्ना भाई भले ही जेल के अंदर हो, लेकिन उनके पब्लिसिस्ट को पता है कि उन्हें लाइमलाइट में कैसे रखा जाए। अगर ग्रेपवाइन की माने तो संजय दत्त ने अपनी वाइफ मान्यता के बर्थडे पर उन्हें जेल से ही प्यार भरा संदेश भेजा और एक फूल भी जो उन्होंने येरवाड़ा जेल के गार्डन से खास चुना था। इस जेस्चर से शायद उनके पब्लिसिस्ट संजय की रोमांटिक इमेज को पब्लिक की नजर में बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर संजय के फैंस के लिए ये बात नई नहीं है, वो तो अपने मुन्ना भाई के जादू की छप्पी वाले इमेज से पहले ही वाकिफ थे। जो भी हो, हम उम्मीद करते हैं कि संजय का ये वनवास जल्द खत्म हो जाए और वो अपने परिवार के पास लौट आएंगे। संजय जेल में रहकर भी एंजॉय कर रहे हैं लाइमलाइट, लेकिन वाइफ मान्यता तक अपना प्यार पहुंचाना ही है उनका असली फाइट। व्हाट्स दिस मीन? Interesting in this hard time, Manita and Sanjay Dutt are sticking to each other like glue. Good for them because they won't even realize how the bad time flew. That's it for now, friends. See you next week with one more gossip session only on 10 Lies. Also, don't forget to watch the journey of director Kunal Kohli on Bollywood Storytellers next Wednesday, 8 p.m. only on Zoom, India's number one Bollywood channel.